नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार एमपीटेट सीटेट की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शाम को 8:30 बजे सभी इस क्लास के इंतज़ार में हैं और आज आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हुए मैथ्स की एमपीटेट क्लास के लिए पहला क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड स्टार्ट्स नाउ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्टॉप। इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है 35 डिग्री के संपूरक कोण कितना है। तो आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कितना हो गया 35 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 145 डिग्री। बस यही उत्तर है इसका। ठीक है, कितना उत्तर रहेगा इसका 145 डिग्री। भाई 180 में से कितना घटाऊंगा मैं, 35 डिग्री घटाऊंगा, तो कितना बचेगा 145 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक 45, दूसरा कितना होगा संपूरक, एक और होता है पूरक। तो पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। देखो ट्यू तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो मैं लिख देता हूँ इसको, कहाँ आपका समय होगा, अच्छा बला बराबर √64 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए इसका, बस हो गया काम इसका। देखो इस 64 को लिख सकता हूं मैं 8/ क्वेश्चन मार्क, ऐसा हो जाएगा 8 × 7 = 56, 7 × 6 = 42। तो कुल मिला के क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 6, ये 6 क्वेश्चन मार्क इधर चला जाए, ये इधर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 6 × 6 = 36। तो इसका उत्तर आएगा 36। दूसरा लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, और जल्दी करिए आज थोड़ा फास्ट फास्ट निपटा, 15 क्वेश्चन है अपने पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, क्या बोल रहा है, 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना हुआ 1000 रुपये, दर कितना हुआ 4, समय कितना हुआ 146 बटे कितना 100। पर आपको पता है उसने लिखा है रेट कितनी लिख रखी है, 4% वार्षिक, तो भाई 146 दिन को वार्षिक बदलना पड़ेगा, तो 365। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल एक पहले भी आया था, ये 73 से कटता है, 73 × 146, 73 × 5 = 365। बस ही बस, ठीक हो गया, 0 0 0 0 5 2 10 4 2 8 और 2 9 16, यानी इसका उत्तर है 16 रुपये। लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ऐसा है मतलब। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की अगर 100 है तो ए की कितनी होगी 125। अब वो बोल रहा है तब बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, तब बी की आय, ये बी की आय, ए की आय की कितने प्रतिशत है, यानी 100 × 125 का कितना प्रतिशत है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, 25 × 100 = 125, 5 × 2 = 10 और ये हो गया, तो 4 × 8 = 80%। कितना है
80%। ठीक है, ये छोटा सा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। 5 कलम का मूल्य 15 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। ठीक, ये सब बराबर है। तो 90 पेंसिल के बदले कितनी आएगी, यानी यहां पे कितनी पेंसिल चाहिए, 90 पेंसिल। आपको पता है इस 15 को 90 में बदलने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है इस 5 में भी कितना गुणा करना पड़ेगा, 6 का। तो इसका मतलब होता 30 कलम। बस 90 पेंसिल 30 कलम के बराबर हो गए। इतना सा तो सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 5। छठा क्वेश्चन केवल फैक्टर का संबंध, बिल्कुल एकदम फैक्ट है वो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। स्टॉप। इतना से बड़ा सवाल, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 1 एकड़ बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 1 एकड़ बराबर होता है 0.4070 या 0 ना भी लगाए हेक्टेयर। ये बिल्कुल फैक्ट याद रखना है आपको, बस यही पूछा है आपसे उसने। 1 एकड़, एकड़ का मतलब होता है, देखिए एकड़ पुरानी इकाई है, अभी आज की तारीख में हेक्टेयर है। जनरली हमारे यहाँ पे बीघा चलता है, क्या चलता है, बीघा चलता है। तो 1 बीघा में कितना होता है, हमारे यहाँ पे 1 जो बीघा होता है वो होता है 2500 वर्ग मीटर। ठीक, और उसके बाद 4 बीघा मिलकर 10000 वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो हो जाता है वो हो जाता है 1 हेक्टेयर। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 0.40। 0.40 का मतलब होता है कि अगर हेक्टेयर को, अगर इसको थोड़ा सा इसको यहां से हटा दीजिए, 0.40 का मतलब यूं हो गया कि 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर हमारी एकड़ को हम कितना माने, 5 माने 5, तो 5 में से कितना है, 2। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ पे 4 बीघा को अगर 5 माना जाए तो ये 2 है जो है वो क्या होगा, तो लगभग ये 1.25 बीघा के लगभग होता है, यहाँ पे इस प्रकार से माना जाता है। एकड़ को 1.5 बीघा के लगभग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। अच्छा क्वेश्चन है, सबका उत्तर आना चाहिए। स्टॉप। 26, 54, 178 का एलसीएम कितना है? तो एलसीएम निकालते हैं इसे। पहली बात तो मैं बता देता हूँ इसका एलसीएम, कि इसका एलसीएम जो भी होगा 6 चौक 24, 8 चौक 32, 2 ना 4, यानी इकाई का अंक 4 होगा या 8 होगा, इस प्रकार की चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे जो 2457, 819, ये 2 उत्तर तो हो नहीं सकते। ठीक है, फिर भी देख लो, देखो 2, 13, 27, यहाँ पे होगा आपका 39, और यहाँ पे 2 9 18, 2 1 2 91। ठीक, 13 से कट रहा है क्या, तो कट रहा है, 13 1 13, 27 से नहीं कटेगा, 33 39, 1371। ठीक,
उसके बाद फिर किससे कट रहा है, तीन से कट रहा है, तीन तिया तीन नम 27, तीन एकम तीन 7। अब यहाँ पे देखिए 9 तीन और तीन से कट जाएगा और 7 केवल 7 से कटेगा। ठीक है, और लास्ट में कितना हो गया 7। समझ पा रहे हो मेरी बात को, एक 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 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं अपन। गुणा करने के लिए 7 21, 21 दिया 63, 63 दुना 126। ठीक है, फिर से देखो चीजें तो फास्ट, 7 21, 21 दिया 63, 63 दुना 126, 126 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, 126 में फिर 3 का गुणा कर लूँ मैं, 18 6 7 और 3 गुणित कितना 13। अब यहाँ पे गुणा करूँ, 8 दिया कितना होगा 4, इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, तो इकाई का अंक 4 वाला एक ही उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। मैं तो डायरेक्ट देखो अभी भी यही कर सकते थे अपन, 7 21 का 1 1 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, लगाइए आगे बढ़िए। नहीं आ रहा है, अगर आप गुणा करेंगे तो आपके पास वही आएगा 4914 रुपये। ठीक है, 13 आठों कितना होता है 104, 10 बचा, 1391 और 10 101 कितना बचा 10 बचा, 33 39 और 10 49, वही बात। ठीक है, तो आप इकाई के अंक से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 8 वाला जो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य 3 के बराबर है। स्टार्ट्स, चलो देखिए ये बोल रहा है 4/5, 9/15, 3/5 और 6/10, कौन सी 3 भिन्न इसमें से 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। देखो 3 3 9, 3 5 15, 3 2 3 6, 2 5 10, इसका मतलब ये और ये तीनों समान है, ये अलग है, तो इसका उत्तर होगा पहला। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब आपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। चलिए स्टॉप, क्या बोल रहा है वो, 1 2 x 4 व 5 का औसत, औसत कितनी है संख्या 5 का औसत कितना है 3 है। ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात को, औसत का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ के 5 का भाग देंगे, 5 कौन है 1 2 3 5 संख्या, तो बराबर 3 है। इसका मतलब होता है सभी संख्याओं का योग कितना होगा 15, 5 3 15, योग 15 होगा, मतलब ये सारी चीज 15 होना चाहिए, और ये संख्याओं को इस x को छोड़ के कितना है 5 9 11 12। ठीक, इसका मतलब होता है बची हुई संख्या कितनी होगी 3, आंसर लगाइए आगे बढ़िए, सिंपल सिंपल से सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि इसको घातों के रूप में लिखिए, लिखो इसको घात के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट, लगाइए सब आंसर। बस इतना ही बड़ा सवाल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। -1/243 बराबर होगा -1/3 की घात, देखो 243 कितना होता, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, यानी 5 बार हो रहा है, तो ये कितना हो गया -1 की घात, है ना, तो ये उत्तर आएगा -1/3 की घात 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चित्र बना दूं मैं, है ना, चित्र देखो ऐसा है, समांतर चतुर्भुज है ये, ऐसा इस प्रकार से,
ठीक। तो इसमें x का मान ज्ञात करिए, कौन सा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज में x की वैल्यू निकालिए, बताइए। देते हैं आपको 10-15 सेकंड। आ जाना चाहिए उत्तर। चलो बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 65 है, ये सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 नहीं, सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये 65 तो ये भी 65 हो, ठीक। इसका मतलब होता है बचे हुए कितने, 65 और 65 कितना होगा? 130। 130 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। 0, 3, 230 डिग्री, यानी इसका मतलब होता है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 230। पर ये दोनों समान है तो इसका मतलब होता है ये 115 और ये 115 होगा, ठीक। अब आपको पता है ये रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, तो ये 145 है, तो ये कितना होगा डिग्री? 65 डिग्री। बस ये आपका उत्तर है। तो इसका उत्तर कितना होगा? 65 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहे ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट्स। स्टॉप। 100 संतरे बराबर है 400 रुपए के। 100 संतरे अगर 400 रुपए के, और कितने दर्जे? 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी 60 रुपये में 12 संतरे। दर्जन मतलब होता है 12। देखो जब भी हो तो मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी कि इन दोनों को बराबर कर लो। अब इनके लघुत्तम लेने की बजाय जब ये 0 से 0 कटा, 100 संतरे अगर 400 रुपये में, तो एक संतरा कितने में हो गया? 4 रुपये में। 12 संतरे 60 रुपये में, तो 12 × 5 = 60 हो गया, तो एक संतरा हो गया 5 रुपये में। इसका मतलब होता है एक संतरा 4 रुपये में खरीदा, एक संतरा 5 रुपये में बेचा, यानी इसका मतलब होता है एक का लाभ हुआ। एक का लाभ हुआ 4 पे, तो 100 पे कितना? इसका मतलब वही 25%। कितना सुंदर सवाल है, आप उसको कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी करना क्या इसको सवाल को, ठीक है। चलिए, कितने सवाल हो गए साहब? 12। 3 सवाल और बचे। थोड़ा सा हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट है आज, थोड़ा सा उसका कारण है, बताएंगे फिर कभी आपको। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। देखो आया उत्तर, लिखो लिखो उत्तर, कमेंट बॉक्स में लिखो भाई मेरे। चलिए, ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में 24 सेंटीमीटर आधार वाले, 24 सेंटीमीटर आधार वाले, इसका मतलब ये, अरे मैं तो कह रहा हूँ इसके बाद मैं सवाल भी नहीं पढ़ूंगा ना, उत्तर बोल दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तम्बू त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब होता है अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो इसका मतलब होता है सी अगर ये हो गया, तो दोनों ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? 60 में से 24 गया तो कितना बचा? 26 के 36, 36 कितना होगा? 36 कितना होगा? 36। अब इन दोनों का योग कितना है? 36। तो आपको पता है इसका मतलब हुआ पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? 16 और 20 तो कितना होता है? 16 और 20 कितना होता है? 36 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो? 14 और 12 ये भी 36 हो गया। तीसरा 12 और 24 ये भी 36 है। 10 और 26 ये भी, और तीनों 36।
तीनों 36, चारों 36, इसका मतलब ये उत्तर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पाइथागोरस प्रमेय वर्ग करेगा, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 16, 20 और ये हो गया 24। तो 24 का वर्ग, अब ये 24 सबसे बड़ी भुजा हो रही है, तो 24 अगर सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण उससे छोटी हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन गलत। यानी इसका मतलब होता है ऑप्शन में आपके 24 से बड़ी भुजा वाला उत्तर देखना है। तो मैं तो कह रहा हूँ सवाल को बिना ढंग, पहला उत्तर गलत है, दूसरा उत्तर गलत है, तीसरा उत्तर गलत है और चौथे उत्तर में 24 से ज़्यादा है, तो ये हो गए 26 और ये 10, क्योंकि ये आधार है तो ये कर्ण जो है इस आधार से ज़्यादा होगा, ये बात तो तय है। तो उत्तर जो होगा ऑप्शन वही होगा जिसमें 24 से बड़ी भुजा दिख रही है। तो बस सब, और 26 का कितना होता है 676, 10 का कितना होता है 100 और 24 का कितना होता है 576। तो 576 और 100 कितना होता है 676, बस बिल्कुल सही है। इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा है, चौथा ऑप्शन सही है। बहुत सुंदर सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सुंदर सवाल करिए इसको थोड़ा सा। मैं ऑप्शन मेरा भी लिख देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे ऑप्शन लिखना पड़ेंगे इसके लिए। x y बराबर 10, तो कौन सी चीज़ x प्लस वाई का मान नहीं हो सकती, यानी 20, 25, 29 और 50। चलिए टाइम स्टॉप। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल 10 है, इसका मतलब होता है अंदर जो बनी हुई चीज वो 100 होगी तभी अंदर 10 हो। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बराबर होना चाहिए 100, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है 100 और दो संख्याओं का योग कितना हो सकता है। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर योग 20 है तो वह संख्या 10 और 10 हो सकती है, इसका मतलब होता है यह मान संभव है। इन दोनों का गुणनफल 100 है और इन दोनों का योग कितना है 20 है, संभव है। 25 बिल्कुल संभव है, 20 और 5, 20 में 5 का गुणा करेंगे 100 आएगा और 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25, ये भी संभव है। यहां लिखते हैं 25 और 4, 25 में 4 का गुणा करेंगे 100 आएगा और 25 और 4 29 होते, ये सही है। अब लिखें 50, अब मैं कहता हूं उत्तर यही है, गलत। देखो 100 के लिए यहां पर दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 50। अगर मैं योग अगर 50 लेता हूं तो 50 कब हो सकता है, 25 प्लस 25 हो सकता है, और 25 प्लस 25 कितना हो सकता है 625। मतलब यहां पे दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनका योग 50 हो और गुणनफल 100 हो, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब होता है तीनों सही है, चौथा संभव नहीं है। समझ में आया, बहुत ही सुंदर चीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं ही बोर्ड पे लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन पर अब नहीं आएगा। चलो बहुत ही डायरेक्ट मैं लिखूं उसी समय जवाब नहीं, 5, 7, 11, 19, 36, 67, 131 में गलत संख्या है, मैं कौन सी संख्या गलत है। तो देखो यहां पर आप लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, चलो माइनस करिए साहब, उत्तर आ जाएगा। माइनस करिए, स्टॉप। देखो 5 और 2 7 और 4 11 और यहां पे कितना हो रहा है आपका 8, यानी यहां से पता चल गया कि 2 है, 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना 8, तो 8 का दुगुना 16 होना चाहिए। अगर ये 16 होगा तो 19 और 6 कितना होना चाहिए 35 होगा, पर यहां पे 32 होना चाहिए, तो यहां पे 35 और 32 67 हुआ, तो यह 64 होना चाहिए। तो इसका मतलब 67 और 64, इसका मतलब होता है यहाँ पे 36 गलत है, 36 की जगह कितना आना चाहिए 35। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आज हमने थोड़ा सा सेशन फास्ट किया, ठीक है। हाँ,
मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि यहां पे जितने भी दोस्त यहां पे बैठे, मतलब ये हमारा जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, 8:30 का हमने समय रखा, और समय इसलिए रखा क्योंकि आप चाहते थे, ठीक है। अगर आपको इस समय पे कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, पर मैं कह रहा हूं कि एमपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, आर्मी पुलिस या इस प्रकार के जो बच्चे हैं, वो 8:30 बिल्कुल एकदम फ्री टाइम है किसी के लिए। ना ही हम 8:30 सोते हैं और ना ही हमारा सोने का टाइम है, ठीक है। तो 8:30 से लगाकर अगर हम आधे घंटे का वीडियो रहता है, बस इसके बाद इसका हम मॉक टेस्ट भी रखेंगे। तो मॉक टेस्ट अगर रखना है और मॉक टेस्ट अगर आपको देना है इन्हीं 15 क्वेश्चन का, तो हमारे जो ऐप है मैथ्स बाय मुकेश फरियार, उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पिछला मॉक टेस्ट हमने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी है और उनको अच्छा भी लगा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप भी इसको देखें और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप हमारे साथ, हम आपके साथ सफलता के उस अंतिम पड़ाव तक चलेंगे और आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।